हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संजय एजुकेशनल सेंटर में। दोस्तों, आज से हम पॉलिटी सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में लाभदायक होगी। तो चलिए आइए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी। पॉलिटी आज हम स्टार्ट करेंगे, तो चलिए आइए। आप लोगों ने एक किताब का नाम सुना होगा, आर एस अग्रवाल का, आर एस अग्रवाल का, आर एस अग्रवाल का। इसमें क्या होता है कि लेसन होता है, लेसन, लेसन का नाम होता है, पेज नंबर होता है, पेज नंबर होता है ना। तो इसी तरह आज हम एक किताब पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, इनमें भी, इनमें लेसन को क्या कहते हैं, इनमें लेसन को भाग कहते हैं, इनमें लेसन को भाग कहते हैं। इनमें भी जैसे नाम होता है, इनका नाम हो गया परसेंटेज यानी प्रतिशत, तो इनमें भाग का नाम हो गया यानी चैप्टर का नाम हो गया, जैसे कि मूल अधिकार, ये सब चैप्टर का नाम हो गया, मूल अधिकार, संघ एवं राज्य क्षेत्र। हाँ, इनमें पेज नंबर को हम अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद, इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, इंग्लिश में इसे आर्टिकल कहते हैं। तो आइए भाग वन स्टार्ट करते हैं हम। भाग वन यानी चैप्टर वन, समझ गए, भाग का मतलब चैप्टर, यानी चैप्टर वन स्टार्ट करते हैं हम। तो चैप्टर वन में हमारा क्या है, चैप्टर वन का नाम संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ये पेज नंबर कितने से कितने तक है, यानी इसमें एक से लेकर, इसमें अनुच्छेद, इसमें अनुच्छेद यानी आर्टिकल, आर्टिकल 1 से 4 तक है, 1 से 4 तक। तो आइए आर्टिकल 1 पढ़ते, यानी अनुच्छेद, आर्टिकल 1, इसमें है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, यानी इंडिया इज ए, इंडिया इज ए यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, या सीधे इंडिया इज ए, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ है। अब राज्य का बात है तो राज्य 3 प्रकार के होते हैं, आइए देख लेते हैं वो भी कौन कौन, यानी 3 तरह के राज्य होते हैं, आइए देख लेते हैं कौन कौन। पहला हो गया आपका कॉन्फेडरेशन, CONFEDERATION, कॉन्फेडरेशन,
कॉन्फेडरेशन, इनका हिंदी होता है परिसंघ। कॉन्फेडरेशन का हिंदी होता है परिसंघ। दूसरा नंबर है फेडरेशन, फेडरेशन इसका हिंदी होता है संघ। तीसरा नंबर है यूनियन, यूनियन इसका भी हिंदी होता है संघ। देखिए राज्य तीन तरह के होते हैं, एक होता है कन्फेडरेशन यानी परिसंघ, एक होता है फेडरेशन इसका भी हिंदी होता है संघ, एक होता है यूनियन इनका भी हिंदी होता है संघ। देखिए कन्फेडरेशन का मतलब ये हो गया कि एक अब बहुत आसानी से टूट जाता है, जैसे अमेरिका एक राज्यों का संघ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो अगर कन्फेडरेशन है मान ले तो उनमें से कोई भी राज्य अलग होना चाहता है तो बहुत आसानी से अलग हो सकता है। लेकिन फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब हो गया कि कोई भी देश एक आपसी समझौता और हस्ताक्षर करके एग्रीमेंट करके कई राज्य एक देश बनाते हैं, तो इसमें थोड़ा अलग होना मुश्किल हो जाता है। तीसरा आ गया यूनियन, यूनियन में अलग होना एकदम नामुमकिन है, इसमें अलग हो ही नहीं सकते हैं, अलग होना एकदम नामुमकिन है। मान के चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, तो एक मिट्टी की दीवार है, एक मिट्टी की दीवार है, इसको बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। अब वही अगर हम जिसको हम कॉन्फेडरेशन कहते हैं, अगर एक मिट्टी की दीवार है उसको बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्फेडरेशन कहेंगे, यानी बहुत आसानी से ये टूट जाता है। तो दूसरा नंबर है फेडरेशन, इसमें थोड़ा मुश्किल होता है राज्यों को अलग होना। तो जैसे कि मान लें एक सीमेंट का दीवार है, उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। और तीसरा नंबर है यूनियन, यूनियन को आप तोड़ ही नहीं सकते, टूट में एक दल और कोई राज्य जुट गया तो उसको अलग होना नामुमकिन है। यानी इसमें सीमेंट की खूब 1 नंबर 1 सीमेंट से दीवार जोड़ाई गई है, साथ ही साथ इसको प्लास्टर व्लास्टर रंगाई धुआई करा दी गई है, इसको तोड़ना एकदम नामुमकिन है। तो ये हो गया यूनियन। क्वेश्चन पूछता है भारत राज्यों का संघ है, तो ऑप्शन नंबर बी पर आता है हमेशा यूनियन, यूनियन। अगर संघ मारते हैं तो गलत हो जाए, क्योंकि संघ इसका भी हिंदी है, संघ इसका भी हिंदी है, इससे अच्छा है कि आप इंग्लिश में याद करें यूनियन। ऑप्शन नंबर बी पर आता है यूनियन हमेशा, कभी भी क्वेश्चन पूछे भारत राज्यों का है तो यूनियन है यानी संघ है। अगर संघ दिया है ऑप्शन में, अगर यूनियन दिया है तो आप यूनियन मारेंगे, संघ मारेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि संघ इसका भी हिंदी होता है, संघ इसका भी हिंदी होता है। तो चलिए अब आगे का आगे देखते हैं, हम अनुच्छेद पढ़ लिए थे, अब अनुच्छेद 2 देखेंगे यानी आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 में क्या है, तो इसमें है कि संसद, संसद विदेशी, संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है, संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है, संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। मान के चलिए कोई कोई विदेशी राज्य यानी अफगानिस्तान है, वो भारत से मिलना चाहता है, तो आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत संसद उसे मिला सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के देखते हैं, तो 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत से मिलाया गया, इससे पहले सिक्किम एक स्वतंत्र देश था, सिक्किम के पास एक देश था जिसका नाम था तिब्बत, तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया, तिब्बत के लोगों को इतना मार मारा कि सिक्किम वाले ने डर गए, भारत से कहे कि भाई आप अपने में मिला लीजिए। तिब्बत पर 1959 में कब्जा किया चाइना ने, और यहाँ के लोगों को इतना मार मारा कि और यहाँ के लोगों को यहाँ से छिटपुट भूजा की तरह इधर उधर भेज दिया। एक को मान के चलिए एक परिवार में 3 आदमी है, तो एक को भेज दिया मंचूरिया, एक को भेज दिया सिंजियांग, एक को भेज दिया इनर मंगोलिया।
अब वो तिब्बत के लोग क्या आज़ादी की मांग करे, वो तो अपने परिवारों को ही खोजने में लग गए। इस ज़माने में मिलते हैं वे लोग मोबाइल वोबाइल के ज़माने में, तो कहते हैं कब के बिछड़े हुए हम बिन जियांग में आके मिले। तो सिक्किम वाले ने देखा कि अगर मेरा भी हाल ऐसा ही होगा, तो उसने कहा कि मरने से अच्छा है चलो हम भारत में मिल जाते हैं। तो सिक्किम ने भारत से कहा कि हमको भी आप अपने में मिला लीजिए। तो सिक्किम ने फिर कहा कि हमारा भी वो हाल मत कीजिएगा जैसा तिब्बत में हो रहा है। तो भारत ने कहा नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हमारे यहाँ की संस्कृति तो जानवरों को भी पूजा करते हैं, जैसे यहाँ जहरीली सांप को भी लोग दूध पिलाते हैं, इससे सीधा साधा और कहाँ मिलेगा। तो सिक्किम ने कहा चलिए हाँ ठीक है। तो इस तरह सिक्किम ने भारत से मिल गया। हालांकि यहाँ सिक्किम में पहाड़ बहुत है, ट्रेन वगैरह नहीं जाती हैं। आपने देखा कि सिक्किम भी पहले भारत का अंग नहीं था, वो कब मिला, 1975 में भारत से मिला। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले का पार्ट को लेकर। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जाते जाते रिक्वेस्ट इतना ही करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ लाइक एवं शेयर ज़रूर करें।